हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पावर ग्रिड शेयर की। पावर ग्रिड शेयर में पिछले 2 दिनों में 20% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन निचले स्तरों से आज इसमें रिकवरी आई और इसने 200 के आसपास क्लोजिंग दी, जो कि आपने हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 190 के आसपास ही शेयर में सपोर्ट लेवल है, वहाँ से इसमें रिकवरी देखने को मिली। अब चलिए बताते हैं आपको इसमें आगे क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस शेयर में अभी थोड़ी रिकवरी और भी देखने को मिल सकती है। ये 210 से 220 के लेवल तक जा सकता है, जो कि इसका ब्रेकडाउन लेवल था। जो लंबे समय से ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, उसको इसने इस लेवल पर ब्रेकडाउन दिया था, तो ये वहाँ तक जा सकता है। उसके बाद इसमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, तो अगर कोई भी उछाल मिले तो आप इसमें से निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतनी ब्रेकडाउन के बाद फिर शेयर एकदम से चलना मुश्किल होता है। चलिए अब एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। 140 तो 135 140 में नीचे का घर और ऊपर में 220 के ऊपर मिलेगा सर में 90 दिन का व्यू है, 188 चल रहा, 220 पे लिया है पावर ग्रिड। देखिए, इन्होंने मेरा काम तो आसान कर दिया है। अगर ये इनके पास 90 दिन का ही व्यू है तो मेरा 90 दिन का व्यू बेरिश है। तो बट अभी इन्होंने लेट कर दिया, ये तो स्टॉक 240 वाला 180 हो गया। थोड़ा मुश्किल सिचुएशन है सर, थोड़ा बाउंस का वेट करें और बाउंस में बेचें, ऐसा मैं इनको अभी राय दूंगा। बट ट्रेंड यहाँ पे इन्वर्ट हो चुका है और 3 से 6 महीने, जैसे इन्होंने 3 महीने का व्यू मांगा, व्यू नेगेटिव है स्टॉक में। बाउंस में इसमें उछाल में सेलिंग ही आएगी। इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस तोड़ दिए हैं, इसने एक बेरिश पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाया था, उसकी नेकलाइन तोड़ दी है। तो अब ये बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि 210 220 के ऊपर टिक पाएगा। तो बेस्ट केस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स इज 220, वर्स्ट केस फॉर द नेक्स्ट 90 डेज इज अराउंड 135 140। तो 135 140 में नीचे का घर और ऊपर में 220 के ऊपर नहीं जाएगा 90 दिन में, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ से कोई भी बाउंस आए तो असीम आप निकलने की कोशिश करें, क्योंकि 220 तोड़ेगा नहीं आप अभी, मतलब में आप 3-6 महीने फंस जाएंगे, तो बेटर है कि थोड़ा सा हिट लेके आप निकलने की कोशिश करें। बाउंस मिले तो निकल ही जाइएगा इसमें।